नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ की कुछ खास खबरों पर। दरअसल आज पूरे देश में हरियाली तीज का त्योहार है और सभी हरियाली तीज को मना रहे हैं। तो वहीं अलीगढ़ मैरिज रोड स्थित पार्क व्यू 2 अलीगढ़ में महिलाओं द्वारा हरियाली तीज का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने अपनी अपनी प्रतिभा और नृत्य के द्वारा बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हरियाली तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया। जब हमने सोसाइटी की महिलाओं की अध्यक्षता कर रहे हैं और सोसाइटी भी अध्यक्ष है, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है और हरियाली तीज है, और हम यह त्यौहार हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, और आज हम सब महिलाएं एकत्रित होकर हरियाली तीज मना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग भजन और नृत्य करके हरियाली तीज के प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया है। आज तीजों का उत्सव है और हमारी पार्क व्यू सोसाइटी में हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स कर रहे थे। हमारी सभी फ्रेंड्स हम लोग इकट्ठे होकर आज हमने तीज उत्सव रखा। इसमें हमने अपना गौरी पूजा रखी है और साथ ही हमने छोटी छोटी प्रतियोगिता, नाच गाना और इस तरह का एक तीजों का मिलन कार्यक्रम रखा। किस तरह से सेलिब्रेट कब से करते आ रहे हैं? जब से ये सोसाइटी बनी है तब से ही हमारा PVR लेडीज़ क्लब इवेंट्स करता रहता है। हम लोग एक्टिवली तीज त्यौहार तो मनाते ही हैं, साथ में सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, और हम लोगों ने टेरेस भी डेवलप किया है। यहाँ पर हम सभी लेडीज़ मिलकर टेरेस को ध्यान देती हैं, और इस तरह के कोई सोशल कॉज होते हैं, कभी पानी पिलाने का गर्मियों में हम लोग रखते थे कि जो जल है वो या शरबत है हम सोसाइटी के बाहर लगाती थी, हमारी लेडीज़ क्लब की सोसाइटी है। इस तरह के कई इवेंट्स हम करते रहते हैं, तो जब भी मौका मिलता है, और इस शुभ अवसर पर काफ़ी दिनों के बाद कोरोना के टाइम में हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो हम इस तीज उत्सव पर इस बार मिलकर सबको बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका और इस जो आज उत्सव है इसकी क्या मान्यता है? इस उत्सव की मान्यता यह है कि आज के दिन सभी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं, और बसंत उत्सव तो ये है ही, क्योंकि बसंत में चारों ओर हरियाली उमंग होती है सभी में, तो इसलिए हम ये उत्सव आज मनाते हैं। लंबी आयु की तो करवा चौथ भी करती हैं? हाँ बिल्कुल, तीज भी उत्सव गौरी का है और गौरी को भी सुहाग की कामना करते हैं। आज भी गौरी पूजन सावन में किया, मेन सावन का फेस्टिवल है। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप सोसाइटी वालों को? सोसाइटी वालों को तीज पूजा उत्सव तो है ही, पर्यावरण के साथ हम अगर इसको जोड़ के सस्टेनेबिलिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस समय, तो हम जो पूजा करते हैं और हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं किसी ना किसी बहाने पर, तो तीज पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन के लिए और प्रकृति से भी जोड़ के हम उत्सवों को देखें वो। मेरा नाम शीतल नंदन है। शीतल जी, आज क्या है यहाँ, किस चीज़ का इवेंट है और क्या आप कर रहे हैं? ये आज यहाँ पे हम लोग तीज का त्यौहार मना रहे हैं, और मैं सोसाइटी में पिछले 6 साल से रह रही हूँ। मैं पिछले 6 साल से देख रही हूँ कि जो यहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं बहुत मिलकर रहते हैं और छोटे छोटे इवेंट्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज हम लोग कोविड के एक लंबे टाइम के बाद मिलकर फिर से एक तीज का प्रोग्राम हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि आज सब लोग मिले हैं, सबके अंदर एक एनर्जी है। अब बहुत टाइम के बाद आज सब लोग सुंदर सुंदर तैयार होके आए हैं, तो मैं अपनी तरफ से सबको बधाई दूंगी कि गौरी माँ सबकी इच्छा सब पूरी करें।